हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। और आज सुबह का समय, मतलब बहुत ज़्यादा मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। तो गाइस और मेरे हस्बैंड तो उठ ही गए थे साथ में। तो और इनकी ड्यूटी का कुछ ऐसा सिस्टम है गाइस कि पहले अभी ये जब चलते थे ना तो ये एक्सप्रेस में जाते थे, अब अभी प्रेजेंट में ये मालगाड़ी चला रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है ना कि इनको मालगाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें 2 घंटे पहले समय बताया जाता है ड्यूटी का, कि क्या होता है ना कि 2 घंटे में आप अपना जो भी सामान रेडी करना हो, खाना पीना नाश्ता पानी जो भी करना हो आप कर सकते हो, ना धो सकते हो उस, इसलिए तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। और पहले जब मतलब एक्सप्रेस गाड़ी चलाते थे तब क्या था कि तब मतलब शायद मेरे हिसाब से 12 घंटे पहले ही इनको पता चल जाता था कि ड्यूटी अब आएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में इनकी ड्यूटी चेंज चल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है और उन्हें भी बहुत दिक्कत है। तो समथिंग 6 बजे उन्हें बताया गया कि ड्यूटी है उनकी 8 बजे की, तो इसलिए हम लोग जल्दी से उठ गए थे और उठ के सीधे खाने पीने में लग गए क्योंकि दिन भर के लिए जाते हैं ऑफिस समय, कहीं खाना मिलता है कहीं नहीं मिलता है नाश्ता पानी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइस। तो इस चक्कर में खाना पीना तो इन्हें घर से ही लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब साथ में काम करा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम रोटियाँ तैयार करो और मैं सब्ज़ी कर दूंगा, तो वो सब्ज़ी बनाने लगे और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, मतलब रोटी की बनाने के लिए आटा वगैरह लगा रही हूँ। क्या होता है ना कि सुबह से गाइस आप सभी लोगों को पता होगा बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि उठ के सीधे हम खाना ही बनाने लगे। तो ब्रश वगैरह करके और फ्रेश व्रेश होके और मुँह हाथ धो के, मुझे वैसे किचन में तो नहा के ही आना अच्छा लगता है, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी फंस जाती है तो खाना पीना बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने खाना पीना आज सुबह ही सुबह बना लिया है। और जैसे ही समय गुजरता जा रहा था जल्दी जल्दी वैसे ही बोल रहे थे कि लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ठीक है आप जब तक नहा लो और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी। तो गाइस इनकी ड्यूटी तो वैसे बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है क्योंकि टाइम टेबल कुछ चीज़ का है नहीं इनका, और लेकिन फिर भी वैसे तो बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को ये लेके चलते हैं, तो भाई जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस चक्कर में अच्छी भी है और बेकार भी लगती है मुझे तो मैंने जैसे कि पहले बताया, अगर आप लोग को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लोको पायलट हैं रेलवे में, तो इसलिए उनको इस प्रकार चलना ही पड़ता है अपना खाना पीना साथ में लेके। तो इसलिए और दिन में भी जाते हैं तो कभी बाई चांस तो भी वो खाना पीना लेके ही जाते हैं। तो वो नहाने के लिए चले गए थे, यहाँ पर मैंने सब्जी चेंज कर दी थी और सब्जी को बहुत लाइट पे छोड़ दिया था, लाइट गैस पे, और यहाँ पर मैं रोटी वगैरह सेकने लगी थी, बच्चे दोनों सो ही रहे थे। तो गाइस आज सुबह से चाय वाय तो पीनी ही नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा चाय नहा के ही पीती हूँ, तो मेरा तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो पहले खाना ही बना देते हैं, तो फिर वो खाना पीना ही चल रहा था, खाना ही पीना बना रही थी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी उनके लिए सेक दी थी, मतलब उनका टिफ़िन भी रेडी कर दिया था, सब कुछ लगा लगू के उनको दे दिया था कि आप पहले चले जाओ। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है ना कि बहुत सारी कभी कभी ऐसा भी रहता है कि हमें अगर कहीं जा मतलब मार्केट में हो या फिर कहीं पे भी हो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे कि उनकी ड्यूटी आनी है 2 घंटे पहले पता चलता है तो बहुत उस समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि वहाँ से मतलब निकलना, जैसे कि अगर कहीं फंसे हैं तो 1-2 घंटा तो घर आने में ही लग जाता है। अगर घर पर हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर हम लोग बाहर होते हैं तो वो खाने के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, वरना तो भाई ऐसा नहीं हो पाता। अगर उन्हें पहले से पता होता है कि हाँ चलो ड्यूटी जानी है तो वो
जाते ही नहीं है बाहर उनका ऐसा सिस्टम है। लेकिन ठीक है, अब इतने साल हो गए हैं शादी को तो सारी चीज़ें पता है और आदत सी हो गई है, और कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कुछ बेकार, वो तो सबके साथ रहता है। कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिलें और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ख़राब मिलें। तो यहाँ पर मैं उनके लिए खाना पैक कर रही हूँ, और यहाँ मैं सैलेड वगैरह और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने एक उसमें बर्तन में निकाल के ठंडी पहले करने के लिए रख दी थी, और फिर इसके बाद मैंने रोटी वगैरह सब कुछ लगा के उनको टिफ़िन दे दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी। और चाय वाय उन्होंने भी नहीं पी थी, क्योंकि वो कहने लगे कि मैं वहीं चाय पी लूँगा, और क्योंकि अकेले के लिए बोलने लगे क्या चाय बनाओगी, रहने दो तुम अपना बाद में बना के पीती रहना, मैं तो जा रहा हूँ, टाइम हो चुका है। तो इस चक्कर में मैंने चाय वाय नहीं बनाई थी, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि इसको ये चाय नहा के ही पिएगी। तो इस चक्कर में भी ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत सारे लोग भाई बिना नहा के भी पीते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब है नहीं है, वो तो आदत की बात है, वो तो जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे ही करता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं वैसा करती हूँ। बाद में अगर इन केस रियर केस कभी कभी हो जाता है, कभी फंस जाते हैं तो बहुत अलग बात है, लेकिन कोशिश यही रहती है मेरी कि सारे काम करने के बाद, मतलब झाड़ू पोछा और नहाने के बाद मैं चाय पी हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और वो निकल रहे हैं अपना ड्यूटी के लिए, और 8 बज चुका था गाइस इतने समय। वैसे मैं झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ, लेकिन जब सिचुएशन दूसरी थी तो इसलिए फिर वो काम पहले मैंने देखा। तो ये निकल रहे हैं ड्यूटी, और बस उसके बाद मेरे सारे काम स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर मैंने किचन वगैरह क्लीन की, और फिर उसके बाद मैंने जो भी बर्तन रात के पड़े हुए थे तो वो लगा दिए थे, क्योंकि फिर तो यही लगता है कि अब सारे काम समेट लो उसके बाद ही कुछ करो। तो यहाँ पर मैं पहले यही कर रही हूँ, मैं सोच रही थी कि सारे काम अब किचन से फ्री हो जाऊँ, और बच्चे सो ही रहे थे तो इसलिए फ्री होने के बाद मैंने कहा किचन साफ कर लूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगा लूँ और फिर नहा के फिर उसके बाद ही चाय पीऊँगी, खाना तो बन ही गया था। तो यही सब मैं गाइस कर रही हूँ यहाँ पर, और अपने एक एक करके सारे काम निपटाती जा रही हूँ। गाइज मैं यहाँ पर किचन से फ्री हो के सारे काम निपटा के यहाँ पर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, और मेरे बच्चे भी मुझे लग रहा था कि अब उठने ही वाले हैं, तो इसलिए सोच रही थी कि उनके उठने से पहले काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह ही लगा रही थी तो मेरे बच्चे उठ गए थे। और वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं लगती, लेकिन ये है कि वो छोटा वाला परेशान करता रहता है, तो जो काम 10 मिनट का है वो 1 घंटा लगा लेता है मुझे और सुबह तो वैसे भी जल्दी पड़ती है, सभी को पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी लगाया पोछा, और यहाँ मैंने पहले हॉल में लगाई, पूरे घर में लगाई, सब जगह लगा लगू के, क्योंकि अब वीडियो लेंथी हो जाता तो मैंने ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं दिखाई हैं। और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाने के बाद यहाँ लगा दिया है पोछा, और पोछे में भी झाड़ू पोछे में वैसे लग जाता है 1-1.5 घंटा, जाहिर सी बात है कि करना मुझी को, घर थोड़ा सा मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, तो टाइम तो लगता ही है। तो गए यहाँ पर बच्चे भी अब देख सकते हैं उठ चुके हैं, वो अपने खेल कूद में लगे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने सारे कामों से फ्री हो गई, और सारे काम फ्री होने के बाद सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई नहाने, और नहाने के बाद मैंने अपने बच्चों को भी साथ में नहला दिया था, सारे कपड़े वगैरह सब धोधा के डाल दिए थे। तो आज सुबह से ही मैं गए काम से बहुत जल्दी फ्री हो गई थी,
लेकिन सर दर्द होने लगा था क्योंकि सुबह पड़ती है चाय पीने की। तो गाइस यहाँ पर मुझे आते आते मतलब नहाने के बाद बज गया था 10:30, काम से फ्री होते होते 10:30 बज गया था। और मैंने खुद नहा लिया था यहाँ पर और बच्चों को भी नहला दिया था। यहाँ मैंने सबसे पहले रखी चाय बनाने के लिए, और चाय बनाने के बाद मैंने साइड में मतलब स्लो गैस पे छोड़ दी थी चाय में सब कुछ डाल के, और अपने बच्चों को रेडी कर दिया, तैयार कर दिया, क्योंकि वो भी ऐसे ही बैठे थे। और रेडी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा वाला इसकी तो भाई बाल बहुत बड़े हो गए हैं क्योंकि इसका मुंडन हुआ नहीं है। मैंने आपको बताया ये बाहर का मतलब बाहर होना है, तो जब अब ये थर्ड ईयर में आएगा तब हमारे यहाँ ऐसा होता है, या तो फर्स्ट ईयर में इसका मुंडन होता, अब सेकंड में चल रहा है तो इसलिए सेकंड में नहीं होगा, थर्ड ईयर में इसका मुंडन होगा। तो जब ये थर्ड ईयर में आएगा तब इसका मुंडन कराने के लिए जहाँ बोला हुआ है वहाँ ले जाएंगे, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पर इसको बोला गया है। तो यहाँ पर इसकी चोटी वोटी बना के और इसको रेडी करके, इसने जब तक रबड़ खा लेती है मुंह में, इसको तो हर चीज़ मुंह में ही खानी होती है, कुछ भी हो हर चीज़ इसके मुंह में ही जाती है। वैसे तो सारे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं जैसा ये करता है कि सब चीज़ें उल्टी सीधी सब इनको मुँह में ही खानी होती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, और यहाँ पर मैंने नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि खाना बन गया था इसलिए, और मैंने चाय टोसी बच्चों को दिए थे और ख़ुद भी चाय टोसी खाया गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।